Hello students, now we discuss about the evolution of stars. How stars evolved? Evolution of a star means change in its properties with time resulting in its passing through different stages. The properties of the sun have not changed in the past 4.5 billion years. Stars evolve very slowly for most of their lifetime. As stars are continuously emitting energy, then their energy is constantly decreasing. तो stars क्या करते हैं? Continuously क्या करते हैं? Energy emit करते हैं. इसलिए उनकी जो energy है, वो constantly क्या हो रही है? Decrease हो रही है. For their stability to remain intact, for maintaining a balance between the gas pressure and the gravitational force, it is necessary that the temperature remain constant. अब वो स्टेबल रहने के लिए या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और गैस प्रेशर है वो कांस्टेंट रहने के लिए क्या ज़रूरी है और बैलेंस रहने के लिए क्या ज़रूरी है उसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहना चाहिए रिमेन कांस्टेंट फॉर द टेम्परेचर टू रिमेन कांस्टेंट एनर्जी मस्ट बी जनरेटेड इनसाइड द स्टार और ये टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए क्या होना ज़रूरी है कंटिन्यूस एनर्जी जनरेशन होना जरूरी है तो ये जो जनरेशन है दिस एनर्जी जनरेशन ऑफ एनर्जी ऑकर्स बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल एट द सेंटर ऑफ द स्टार और जो एनर्जी प्रोडक्शन होगा कंटिन्यूसली वो किस तरह से होगा तो सेंटर में क्या होना चाहिए बर्निंग ऑफ फ्यूल द रीजन फॉर द इवोल्यूशन ऑफ स्टार इज द बर्निंग ऑफ एंड देयर फोर द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फ्यूल इन देयर सेंटर When the fuel in the center finishes, the energy generation stop. यानी जब तक फ्यूल है सेंटर में स्टार के तब तक क्या होगा एनर्जी प्रोड्यूस होंगी लेकिन जब वो फ्यूल का क्या होगा फिनिश होगा तो एनर्जी जनरेशन होना भी क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द स्टार स्टार्ट्स डिक्रीजिंग और उसके कारण क्या होगा टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा So due to the decrease in temperature, the gas pressure decreases and the balance between gas pressure and gravitational force cannot be maintained. अब क्या होगा Temperature कम होने के कारण gas pressure कम हो जाएगा और इस कारण क्या होगा जो balance जो है between gas pressure और gravitational force वो maintained नहीं होगा So as the gravitational force is now higher than the gas pressure, the star starts contracting. अब ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या हो गया ज़्यादा हो गया देन द गैस प्रेशर और उसके कारण स्टार स्टार क्या करना शुरू करेंगे दे आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट सो दिस कॉजेस अनदर फ्यूल टू स्टार्ट बर्निंग अब उसके कारण दूसरा जो फ्यूल है वो क्या हो जाएगा बर्न होना शुरू हो जाएगा वेन हाइड्रोजन एट द सेंटर इज फिनिश हीलियम स्टार्ट्स अंडरगोइंग फ्यूजन एंड एनर्जी जनरेशन स्टार्ट्स अगेन तो हाइड्रोजन अगर नहीं है तो उसके अब्सेंस में हीलियम क्या करेगा फ्यूजन करेगा ठीक है और उस तरह से क्या होगा एनर्जी प्रोड्यूस होंगी सो हाउ मेनी फ्यूल्स विल बी यूज डिपेंड ऑन द मास ऑफ द स्टार तो कितना फ्यूल यूज होगा ये किसके ऊपर डिपेंड है मास ऑफ द स्टार हायर द मास ऑफ द स्टार हायर इज द नंबर ऑफ फ्यूल यूज सो ड्यूरिंग दिस अ लॉट ऑफ चेंजेस ऑकर इन द स्टार तो इसमें क्या होगा इस प्रोसेस में जो स्टार में चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे एज अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस ऑकर इनसाइड अ स्टार इट समटाइम्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपांड तो कभी कभी स्टार एक्सपांड होगा कॉन्ट्रैक्ट भी होगा इट समटाइम्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपांड एट अदर टाइम्स एंड द स्टार गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस व्हेन ऑल पॉसिबल फ्यूल आर एग्जॉस्टेड द एनर्जी जनरेशन फाइनली स्टॉप अब जब सब जो फ्यूल है वो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा तो एनर्जी जनरेशन भी क्या होगा स्टॉप होगा और टेम्परेचर ऑफ द स्टार क्या हो जाएगा स्टार्ट डिक्रीजिंग द बैलेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द गैस प्रेशर कैन नॉट बी मेंटेन लेट अस नाउ सी हाउ द इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स एंड एंड व्हाट द एंड स्टेज ऑफ द स्टार्स सो वी डिस्कस अबाउट द एंड स्टेज ऑफ द स्टार्स द हायर द मास ऑफ द स्टार फास्टर इज द रेट ऑफ इवोल्यूशन The different stages during the evolution of the star, which is the path of evolution of the star, also depends on its mass. So, how does the evolution finally stop? There are three ways of evolution of stars depending on their initial mass.
Thus, we can divide stars into three groups. The path of evolution and end stage for all stars in the same group is the same. So, first is the end stage of a star having initial mass less than 8 times the mass of the sun. Stars in this group undergoes huge expansion. अब इसमें जो stars रहते हैं उसका huge expansion होता है और जो radius है वो क्या होती है increase होती है by a factor of 100 to 200. So in this stage they are called red giant stars. तो इस stage में star को क्या कहते हैं red giant star. This name is given because of the large size and because of the fact that stars look reddish due to lower temperature. तो ये जो नाम है रेड जायंट स्टार उसे क्यों दिया गया है क्योंकि उसकी जो साइज है वो क्या होती है लार्ज साइज होती है और ये जो स्टार है वो कैसे दिखता है रेडिश दिखता है क्योंकि किसके कारण दिखता है ड्यू टू डिक्रीजिंग टेम्परेचर. द साइज ऑफ द रेड जायंट स्टार इज इन कंपेरिजन टू अदर टाइप्स ऑफ स्टार इज शोन इन फिगर 19.2. सो सी द फिगर 19.2. द एंड ऑफ इट्स इवोल्यूशन These stars explode and their outer gas envelope is thrown out. तो क्या होता है फिर जो एंड कैसे होता है इसका एंड ऑफ इट्स इवोल्यूशन स्टार एक्सप्लोर होता है और उसका जो आउटर एनवेलप है वो क्या होता है निकल जाता है. द इनर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द साइज बिकम सिमिलर टू द साइज ऑफ द अर्थ. सो एज द मास ऑफ द स्टार इज मच हायर देन दैट ऑफ द अर्थ एंड द साइज इज सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ सो द डेंसिटी इन द स्टार बिकम्स वेरी हाई. And in this state, the pressure due to electron in the star becomes independent of temperature and is able to balance the gravitational force forever. In this state, the star looks white and due to its small size, it is called as a white dwarf. So, in this stage, the star will white दिखेगा और उसे क्या कहते हैं white dwarf. After this, its temperature keeps decreasing. उसके बाद उसका temperature continuously क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा बट इट्स साइज एंड मास रिमेन अनचेंज लेकिन उसकी जो साइज है और मास क्या नहीं होगा चेंज नहीं होगा वो उतना ही रहेगा फॉर एवर. एंड सो वाइट ड्वार्फ इज द एंड स्टेज ऑफ स्टार्स इन दिस मास रेंज. तो ये जो वाइट ड्वार्फ है ये क्या है एंड स्टेज है स्टार की ओके और इन द स्टेज ऑफ स्टार इन दिस मास रेंज. तो मास रेंज क्या है मास रेंज मीन्स द मास लेस देन 8 टाइम्स द मास ऑफ द सन. सेकंड इज द एंड स्टेजेस ऑफ स्टार हैविंग मास बिटवीन 8 एंड 25 टाइम द मास ऑफ द सन. दिस स्टार्स ऑल्सो गो थ्रू रेड जायंट स्टेज. अब ये जो स्टार है ये भी कौन से स्टेज से जाएगा रेड जायंट स्टेज एंड लेटर दो द सुपर जायंट स्टेज ड्यूरिंग विच देयर साइज में इंक्रीजेस 1000 टाइम्स द ह्यूज एक्सप्लोजन कॉल्ड द सुपरनोवा एक्सप्लोजन. तो जो ह्यूज एक्सप्लोजन होगा उसे क्या कहेंगे सुपरनोवा एक्सप्लोजन विच ऑकर्स एट लास्ट इज वेरी पावरफुल एंड सो मच एनर्जी इज गिवन ऑफ दैट वी कैन सी द स्टार ड्यूरिंग द डे ऑल्सो. द सेंट्रल पोर्शन विच इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होगा वो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स साइज बिकम एज स्मॉल एज अबाउट 10 किलोमीटर. इन दिस स्टेट द स्टार्स आर कंप्लीटली मेड अप ऑफ neutrons and are called neutron stars. The pressure of the neutron is independent of temperature and is capable of balancing the gravitational force forever. So neutron star is the end stage of this star. Now third is the end stage of stars having the mass larger than 25 times the mass of the sun. So is stage mein kya hoga? These stars evolve like the stars in the second group. But after the supernova explosion, no pressure is capable of balancing their huge gravitational force and they continue contracting forever. So as their size becomes smaller, the density and their gravitational force increases tremendously. So all nearby objects get attracted towards these stars. यानि उसके nearby जो object है उस star के तो क्या होंगे उस star की तरफ attract होंगे. And nothing can come out of them, not even light. Also any light falling on the stars does not reflected and gets absorbed inside the star. Thus, we cannot see the star at all, but can probably see a minute black hole at its place. So, this end stage of the star is therefore called a black hole.
Thus, we have seen that depending on mass, there are three paths of evolution and three end stages of star.